साहब, आप असेंबली में जो बयान दिए हैं वो बयान काबिले मजम्मत है, इसलिए कि मोहम्मद शब्बीर अली को यहाँ पर निजामबाद में हराने में आपने जो रोल प्ले किया वो सबसे बदतरीन आपका रोल रहा। असदुद्दीन साहब ने यहाँ के कारपोरेटरों को यह हिदायत दी कि तुम जो है किसी हाल से भी शब्बीर अली को हराना। तो आज जो है मुसलमानों का जो कुछ हाल है इंतशार की वजह से, इसके सूबेदार कौन है? आप ठंडे दिल से सोचिए और इस पर गौर कीजिए कि एक दिन सबको मरना है, अल्लाह के पास जवाब देना है, और उसके पास जब हिसाब लिया जाता है तो बहुत ही बारीक बिनी से लेता है अल्लाह ताला। आप उसका खौफ कीजिए, एहतियात कीजिए, मुसलमानों के बेईखा बनने की कोशिश कीजिए, मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त का सामना करने के लिए आपने जो रोल भी किया है वो ठीक नहीं है। आप एहतियात कीजिए। खुदारा मेरी इस बात को बड़ी संजीदगी से, बहुत ही अदब और एहतराम से मैं आपके सिलसिले में मैं अपनी बात रखा हूँ। आपको जो असेंबली में बोलने का जो हक है उसका बेजा इस्तेमाल मत कीजिए। आप अच्छे अल्लाह का खौफ रखकर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वो सभी बयान दीजिए कि मैंने क्या किया और उसका क्या रद्दअमल मुसलमानों की तरफ से आया। और मुसलमान आज जो भी आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतशार के बजाय इत्तेहाद की बात कीजिए। वस्सलाम।